आज मिशन नंदन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पंचायती राज पार्टी के राजीव कुमार रंजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरुण कुमार संयोजक सह कार्यकारी अध्यक्ष, धीरेन्द्र कुमार चौधरी सह मीडिया प्रभारी, और आज का मिशन अंदन का मुहिम था कि आज गरीबों के बीच में राजीव नगर नाला से झुग्गी झोपड़ी में भोजन, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। आज का वितरण लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के युवा डायरेक्टर श्री कुंदन पांडे जी के सहयोग से संपन्न हुआ। इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें उनके हृदय से आभार और धन्यवाद। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन जी का भी सहयोग रहा, उन्हीं के द्वारा यह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गरीबों के बीच में यह सब मुहिम पहुंचा पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि अरुण कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, उनके द्वारा भी सहायता हो रही है। अगर इन लोग सहायता नहीं करते तो यह मुहिम नहीं चल पाता। मेन मुहिम के हकदार हैं और हमारे मेंटर्स हैं धीरेन्द्र चौधरी सर। धीरेन्द्र चौधरी सर हमेशा हम लोग के आइडियल हैं, वो हमें बताते हैं कि इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनकी तरफ से जब जब बताते हैं उस तरह से हम लोग प्रतिदिन 100 पैकेट्स का खाना का वितरण करते हैं। और समझिए कि गरीबों के बीच में खाना वितरण करना ही यही मुहिम है, सेवा में समर्पण में यही काम रहेगा भारतीय पंचायती राज पार्टी के तरफ से। मिशन नंदन का हमेशा सहयोग रहा और हमेशा हम लोग काम करने के पीछे तत्पर हैं कि COVID-19 में यह महामारी को हम लोग को जीत और मास्क का वितरण किया। मित्रों, आज के वितरण के लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक, युवा निदेशक श्री कुंदन पांडे जी का, जिन्होंने स्वयं ही हमसे संपर्क करके इस कार्यक्रम में सहभागिता करने की रुचि जाहिर की और उन्होंने हमें सहयोग किया। और आज का दिन मिशन अन्नदान का उनके नाम। परमात्मा आपको सदा उच्च विचारों से, परमार्थ के विचारों से, मानव सेवा के विचारों से परिपूर्ण रखे। कुंदन पांडे जी, अभी बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन आपके ऐसे विचार निश्चित रूप से आपके पारिवारिक संस्कार को दिखाते हैं। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं आपको। मित्रों, कल सेकंड फेज लॉकडाउन का आखिरी दिन है 25। जैसा कि हमने कहा था कि हम 25 तक तो निश्चित रूप से ही अपनी सेवा देते रहेंगे। जब इस प्रकार के लोग निस्वार्थ भाव से स्वयं संपर्क करके हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सेकेंड फेज तक तो सफल हुए ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आप लोगों ने सहयोग किया है, सहभागिता की है, थर्ड फेज यानी 26 मई से लेकर 1 जून तक आप ही में से कुछ लोग पुनः हमारी मदद करेंगे और परमात्मा ने चाहा, महादेव की इच्छा हुई, तो निश्चित रूप से हम 1 तारीख तक अपना ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे, जिसमें भोजन पैकेट्स, साबुन और मास्क का वितरण तो निश्चित रूप से होगा। अगर कोई दाता ऐसा मिल गया कि हम राशन का वितरण कर सके, तो निश्चित रूप से हम राशन का भी वितरण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नर सेवा, नारायण सेवा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।